हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपने यूट्यूब चैनल की वीडियोस को गूगल एड्स के थ्रू कैसे प्रमोट कर सकते हैं, अपनी वीडियोस को गूगल एड्स से प्रमोट करने का सही तरीका क्या है। इससे आपका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, आपके सब्सक्राइबर भी इंक्रीज होंगे और इससे आपका चैनल बूस्ट होगा, उसे ग्रो होने में हेल्प मिलेगी। तो मैंने इस वीडियो में हर एक स्टेप को अच्छे से समझाया है, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा शुरू से लेके अंत तक देखना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और इसमें आपको यहाँ पे टाइप करना है ads.google.com और एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आएगा और गेट स्टार्टेड का आएगा। अगर आपने इस पे अकाउंट नहीं बनाया हुआ और आपको नहीं पता कि कैसे बनाते हैं तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में शेयर कर दूंगा। आप वहां से जाके इजली उसे सीख सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें अकाउंट बनाया हुआ है तो मैं इसमें से साइन इन कर लेता हूं जल्दी से, साइन इन पे क्लिक करके। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने इसमें साइन इन कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें सबसे पहले आपको बिलिंग का बता देता हूँ। अगर आपको बिलिंग सेटअप करना नहीं आता कि इसमें बिलिंग कैसे ऐड करते हैं तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो उसका लिंक भी मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे दूंगा। आप वहां से जाके इजली उसे सीख सकते हैं। तो मैं इसमें आपको अब डायरेक्ट यहाँ पे कैंपेन लगा के दिखाऊंगा और मैं आपको इसमें एक नया तरीका बताऊंगा जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो यहाँ पे हम ये प्लस का जो साइन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ये न्यू कैंपेन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं, आपने हर वीडियो में देखा होगा यूट्यूब पे जितनों भी लोगों ने आपको समझाया है कि वीडियो को कैसे प्रमोट करते हैं इस गूगल एड से, तो उन्होंने आपको यहीं इसी पर क्लिक करना बताया होगा, क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गोल गाइडेंस। पर मैं आपको एक नया तरीका बताने वाला हूँ, तो हमें इस पर क्लिक करना है, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिड्रेशन, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद ऑटोमेटिक वीडियो सेलेक्ट हो गया है और यहाँ पे इन्फ्लुएंस कंसिड्रेशन रखना है, ठीक है, ये भी ऑटोमेटिक सेलेक्ट है। उसके बाद हमें इस कंटिन्यू वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारे सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। मैं आपको इस तरीके से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको कम बजट में भी आपको ज़्यादा व्यूज आएंगे इसलिए, और इसमें आप 0.08 पे भी अपना कैंपेन रन कर सकेंगे। उस वाले जो मेथड है, जो दूसरा मेथड है, उसमें 0.10 ही रखना पड़ता है आपको, तो इसलिए मैं आपको एक नया तरीका बता रहा हूँ जिससे आपके कम बजट में भी आपको ज़्यादा व्यूज आ सकें। तो इसमें आप सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कैंपेन नेम रखना है, जिस वीडियो को आपको यहाँ पे प्रमोट करना है उसका नाम यहाँ पे डालना है अपने कैंपेन का। तो मैं जो वीडियो प्रमोट करने वाला हूँ वही नाम डाल देता हूँ, पेटीएम फुल KYC, ठीक है। उसके बाद इसमें बिड स्ट्रेटजी है, इसके अंदर आपको मैक्सिमम CPV मतलब कॉस्ट पर व्यूज ये ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। इसमें यही एक ऑप्शन है, एक CPM भी होता है कॉस्ट पर माइल, पर हमें वो नहीं सिलेक्ट करना, हमें CPV ही रखना है। उसके बाद इसको बंद कर देना है, फिर हमें नीचे आना है, यहाँ पे ये बजट एंड डेट्स है। इसमें दो चीज़ होती हैं, या तो आप टोटल लगा सकते हैं या आप डेली लगा सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप डेली का लगाएं और ज़्यादा बजट है तो आप टोटल का लगाएं। जैसे अगर 500 रुपये तक का आपका बजट है तो आप डेली वाले को सिलेक्ट करें, ठीक है। और यहाँ पे आप जैसे 50 रुपये डाल दें डेली के, एंड डेट यहाँ पे एडिट में जाएं और आप चाहते हैं कि मैं आज 4 मई है तो आज मैं यहाँ से सिलेक्टेड डेट कर लेंगे हम,
जैसे मैं 5 दिन के लिए लगाना चाहता हूँ 9 तारीख तक, तो यहाँ पे ये एंड डेट हो जाएगी 9 तारीख तक 50 रुपये डेली आपके इसमें से कम होते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप इम्प्रेशंस देख सकते हैं 10 बिलियन प्लस आ रहे हैं, उस इस तरीके से आप लगा सकते हैं। और अगर आपका 500 से ज़्यादा बजट है तो आप यहाँ पे टोटल वाला सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 1000 2000 है तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद आपको इसको नीचे कर लेना है, यहाँ पे आप नेटवर्क्स का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करना है, इसको आपको एज इट इज रहने देना है, बिल्कुल नहीं छेड़ना, वापस बंद कर दिया। उसके बाद आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी है, लोकेशन में आप इंडिया यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, अगर आप चाहते हैं कोई और लोकेशन भी हम सेलेक्ट करें तो आप यहाँ पे डाल के उसे सर्च करके सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं इंडिया ही रखना चाहता हूँ तो इंडिया पे क्लिक कर दिया हमने। उसके बाद नीचे आएंगे, इसमें लैंग्वेज है, यहाँ पे आपकी वीडियो की जो लैंग्वेज है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, मेरी वीडियो हिंदी में ही है तो मैं हिंदी सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद इसको भी बंद कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे इन्वेंट्री टाइप है, इसमें आपको एक्सपेंडेड इन्वेंट्री या स्टैंडर्ड इन्वेंट्री, इनमें से आप दोनों में से कोई भी रख सकते हैं, पर मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप स्टैंडर्ड ही रखें, ठीक है। इसमें आप इम्प्रेशन देख रहे हैं 3.3 बिलियन अभी दिखा रहा है, स्टैंडर्ड इन्वेंट्री ही रखें। उसके बाद नीचे आना है, इसको भी यहाँ से हम चाहें तो बंद कर सकते हैं, इसको बंद कर दिया। उसके बाद यहाँ पे एक्सक्लूडेड टाइप्स लेवल्स इस पर क्लिक करना है, इसमें आपको एम्बेडेड यूट्यूब वीडियोस पे क्लिक करना है और लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस पे क्लिक करना है, और जो ये कंटेंट वाला है इसको अनटिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसको हमें यहाँ से बंद कर देना है। उसके बाद ये एडिशनल सेटिंग्स हैं, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे कन्वर्सेशन है, इसके ऊपर क्लिक करना है, इस पर कुछ नहीं है तो इसे ऐसे ही बंद कर देना है। उसके बाद डिवाइसेस है, यहाँ पे हम सेट स्पेसिफिक टारगेटिंग फॉर डिवाइसेस कि हम अपने ऐड को किस किस पे रन कराना चाहते हैं, कंप्यूटर मोबाइल फोन टैबलेट टीवी स्क्रीन, तो हम तो सब पे रन कराना चाहते हैं, अगर आप किसी पे रन ना कराना चाहें तो उसे यहाँ से अनटिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें इसको वापस बंद कर देना है। उसके बाद यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कैपिंग है, यहाँ पे दो ऑप्शन है, कैप इम्प्रेशन फ्रिक्वेंसी, जो आपके इस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी डाल सकते हैं आप कि इम्प्रेशन जो आपके डेली के हैं वो पर डे कितने आए, ठीक है, सेम पर्सन से, तो यहाँ पे अभी आप चाहे तो इसे डाल सकते हैं या आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, तो मैं इसे अभी सिलेक्ट नहीं करता, इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ। उसके बाद ऐड शेड्यूल है, यहाँ पे आप ऐड शेड्यूल अपना ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे इसको एज इट इज छोड़ देना, इसको यहाँ पे ऐड शेड्यूल ऐड कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप चाहते हैं कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक ज़्यादा चले तो वहाँ पे वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अभी आप इसे भी ब्लैंक छोड़ दें, इसको भी बंद कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐड ग्रुप नेम, यहाँ पे आपको अपनी ऐड का नाम डालना है, तो हम वो सेम नाम भी यहाँ पे डाल सकते हैं, पेटीएम फुल KYC। उसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पे डेमोग्राफिक्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा यहाँ से आप ये ऑडियंस सेलेक्ट करें इस एज की, ठीक है, यहाँ से आप ये वाली ऑडियंस सेलेक्ट करें, वैसे तो हर एज के देख सकते हैं इसमें, या आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे ऑडियंस में आएंगे, एनी ऑडियंस यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आप एक टारगेटेड ऑडियंस ले सकते हैं, ठीक है, जो आपके वीडियो जिस कैटेगरी में है वो कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है आपको, ठीक है, जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद नीचे आना है हमें, यहाँ पे कीवर्ड डाल के भी आप सर्च कर सकते हैं कि आपके वीडियो में कौन कौन से कीवर्ड हैं, वो कीवर्ड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने कैटेगरी सेलेक्ट कर दिए तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद टॉपिक्स पे, यहाँ पे आप टॉपिक्स डाल के भी सर्च कर सकते हैं, आपका वीडियो किस टॉपिक पे है तो वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लेसमेंट,
प्लेसमेंट में आप चाहते हैं कि मेरे किसी भी चैनल पे मेरी ऐड दिखे, तो आप यहाँ से वो चैनल सर्च करके डाल सकते हैं। जैसे योगी सर हैं, टेक्निकल योगी, आप चाहते हैं कि इन सर के वीडियोस के ऊपर आपकी ऐड दिखाई दे, तो आप यहाँ से उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी बंद कर देना है, अभी हमें इनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑडियंस सेलेक्ट कर ली है, तो हमें कोई भी टॉपिक हो कैसी प्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बिडिंग का ऑप्शन है, अब यहाँ पे हमें 0.110 करके देखते हैं। ठीक है, उससे पहले हमें यहाँ पे वीडियो ऐड करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हम न्यू ऐड वीडियो ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें वीडियो डिस्कवरी ऐड ही हमेशा सेलेक्ट करनी है, और यहाँ से हमें अपनी वीडियो को सर्च करना है, यूआरएल को इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसमें आप यहाँ पे आप लिख के भी सर्च कर सकते हैं, जैसे ये मैंने मेरी वीडियोस आएंगी इसमें, पेटीएम फुल KYC, ऐसे नहीं आ रही, तो आप यहाँ पे अपनी वीडियो का लिंक पेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको न्यू टैब ओपन करना है, YouTube.com पे जाना है, और यहाँ से टॉप राइट कॉर्नर पे क्लिक करके यूअर चैनल पे क्लिक करना है। इसके बाद कस्टमाइज चैनल पे जाना है, और उसके बाद आपको कंटेंट में जाना है, और यहाँ पे आप अपनी पेटीएम फुल KYC की जो आपकी वीडियो है उसका गेट शेयरेबल लिंक करना है, और यहाँ पे आपको कैंपेन में वापस आके यहाँ पे आपको उसे पेस्ट कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आ चुकी है। अब यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहे हैं नीचे हेडलाइन डालने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे हम इसकी हेडलाइन डाल देंगे, यही हेडलाइन डाल देंगे जो हमारी वीडियो की है, पेटीएम फुल KYC कैसे करें। ठीक है, उसके बाद इसमें एक डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं पेटीएम फुल KYC करना सीखें। उसके बाद यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन लिखना है हमें, पेटीएम वीडियो KYC कैसे करें, फुल KYC कैसे करें घर बैठे, ऐसे लिख सकते हैं हम। यहाँ पे हम ऐड का नाम डाल सकते हैं, ऐड का नाम आप यहाँ पे अपना नाम भी डाल सकते हैं, चैनल का 31 टैग लिख दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे ये आप देख सकते हैं मोबाइल पे ऐसी दिखाई देगी, यहाँ पे डेस्कटॉप पे ये ऐसी दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पे आप हेडलाइन में और भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे 2021 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसी दिखाई देगी और यहाँ पे ऐसी दिखाई देगी। उसके बाद आप यहाँ पे डन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड में आपके इम्प्रेशंस दिखा रहा है 2 बिलियन, और आपके व्यूज भी दिखा रहा है डेली बजट ऑफ 50 के अकॉर्डिंग आपको ये व्यूज मिलेंगे 1.4K से 4.1K के बीच में, ये आपके व्यूज दिखा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम और कम करके देखते हैं अपनी CPV को, यहाँ पे हम इसे 0.08 करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं इस पे भी रन इजिली रन कर रही है। अब हम यहाँ पे अपनी डेली वाली जो है उसको और कम करके देखते हैं, ऊपर जाएंगे और जो हमने डेली बजट लगा रखा था इसको हम 30 रुपीज़ करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं 30 रुपीज़ में भी आपको 0.8 पे 1.1K से 3.2K व्यूज़ डेली आ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं 30 रुपीज़ पर डे से भी आपको व्यूज़ आएंगे, इसमें आपका कैंपेन रन कर सकता है। ठीक है, 0.8 है ये, यहाँ पे आप इसे 0.7 करके देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप ये कह रहा है कि आपका होल बजट इस पे स्पेंड नहीं होगा, तो ये 0.8 पे भी रन कर रहा है। नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेली बजट ऑफ 30 रुपी एंड बिट ऑफ 0.08, उस पे आपको इतने व्यूज इतने इम्प्रेशंस मिल जाएंगे, यूनिक रीच ये है, ठीक
ठीक है, 1.1 से। तो मैं इसको यहाँ पे अगर 40 करूँ, मैं चाहता हूँ थोड़े और मुझे ज़्यादा व्यूज़ आए, 40। तो आप देख सकते हैं 1.3K से 4K के बीच में ये मेरे 5 दिन के अंदर आ सकते हैं। तो 0.8 पे भी ये चल रहा है इजली। यहाँ से मैं इसकी अगर चाहूँ तो इसकी CPV और कम करके देखूँ, यहाँ अगर मैं 0.7 करूँ तो भी ये रन करेगा, नहीं हो रहा, पूरा पूरा स्पेंड नहीं होगा। ओके, हम यहाँ पे 0.8 ही रखेंगे, ये ठीक है। इसके बाद ये सब कुछ हो गया है, इसमें एक बार क्रॉस चेक करना चाहें तो वो आप सब कर सकते हैं, ठीक है। 0.8 पे रन करा रहे हैं हम, 40 रुपये डेली बजट है, ठीक है। तो हम इसके बाद क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे, और इसमें एक और खास बात है, उस कैंपेन को तो अप्रूव होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, एक एक 24 घंटे भी लग जाते हैं, और इस वाले ये बहुत जल्दी हो जाता है, इसमें 10 मिनट, 10 से 15 मिनट, ये मैक्सिमम हाफ आवर तक ये लगता है। तो हम अभी इसमें थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, और कुछ टाइम बाद ही ये अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा वेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये जल्दी ही अप्रूव हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप गूगल एड्स से अपनी यूट्यूब की वीडियोस को प्रमोट कर सकते हैं एक सही वे में, जिससे आपके कम बजट में ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।